गुड मॉर्निंग बच्चों, देखिए कक्षा छह का गणित अभ्यास 3.3 हम रिवीजन कर रहे हैं। इसमें से चार प्रश्न तक तो हमने आपसे कहा था कि लगा लीजिए, तीन प्रश्न हमने खुद बताया था आपको, और चौथा कहा था कि आप लगाइएगा। लगाई होंगे, आसान था, लग गया होगा। अब हम आज लगाएंगे प्रश्न नंबर 5, जिसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 5 कि अंकों को जोड़ेंगे, यदि अंकों का जोड़
अगला प्रश्न क्या है? देखिए लिखा है 29,814। अब इस संख्या को हमें बताना है 29,814 को कि ये 6 से विभाजित है या नहीं, 6 से विभाजित है या फिर ये नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले 2 और 3 से विभाजिता के नियम की जांच करते हैं। 2 और 3 से विभाजिता के नियम की जांच करते हैं। हो गया, मिटा दे। अगला ऐसे जांच करते हैं, दूसरा ऐसा। दूसरा 10,814। 10,814 तो अब देखिए
हो गया, मिटा देते हैं। अगला देखेंगे, इसी में तीसरा, हो गया, मिटा देते हैं। अब इसी में प्रश्न नंबर 6 है हमारा। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? कौन सी संख्या यहाँ पर 6 की जगह 8 से विभाज्य है? तो यहाँ पे हम 8 से विभाज्य का क्या नियम देखेंगे? 8 से विभाज्य का नियम ये हम
मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीनों को जो मिलाकर अंक बना है उसको हम 8 से काटेंगे। यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों से मिलाकर बना हुआ अंक 8 से कट जा रहा है तो मतलब वो पूरा संख्या 8 से कटेगा। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण दिया है आपको, अगला देखेंगे दूसरा। दूसरा है इसी में 24 सॉरी 4। तो ये 8 से कट रहा है, ये 8 से नहीं कट रहा है, तो क्या हो जाएगा?
ये आर से नहीं बढ़ रहा है तो हम क्या लिखेंगे वहां पे? यदि 668 8 से विभाज्य नहीं है तो आपका 25,668 पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं होगी। सातवां देखेंगे तो प्रश्न है आपका सातवां, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 3 से विभाजित है? तो 3 से विभाजिता का नियम है आपका कि यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। हम इसको एग्जांपल आपको दे देते हैं, जैसे 3 में आपने देखा था कि यदि अंकों का योग 3 से बढ़ता है तो वो संख्या पूरी 3 से विभाज्य होगी। इसी तरह यदि अंकों का योग 9 से कटेगा तो ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो जैसे यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर है 7, पहला दिया है 300, ये आपको देखना है कि 9 से कटता है कि नहीं, तो जोड़िए 3 + 6 + 9, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 9 = 9 = 18, 18 का आपको 9 से भाग देना, तो यदि ये 9 से कट जा रहा है 3,379, 9 से विभाज्य। यदि अंकों का योग आपका 3 से कट जा रहा है, सॉरी 9 से कट जा रहा है तो ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। अब इसी में है दूसरा आपका 3,222, इसमें हम क्या करेंगे जोड़ कर देंगे, क्या 3 + 2 + 2 + 2, तो 3 × 2 = 5 + 7 = 9, तो 9 से 9 काटेंगे, 9 से देखना है तो 11 है, तो ये क्या होगा आपका 3,222 भी आपका 9 से विभाज्य होगा। इसी तरह आप सभी अंकों को जोड़कर 9 से काटेंगे, यदि अंकों का योग 9 से कट जा रहा है